तो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग द 10th क्लास। टॉपिक का नेम है लेंस एफएमपी। एफएमपी मींस फॉर्मूला, लेंस का फॉर्मूला, लेंस की मैग्निफिकेशन और लेंस की ही पावर। और यूनिट है ये हमारे पास बच्चों 10th, और उस यूनिट का नेम है लाइट। ओके बच्चों, तो सबसे पहले लेंस के बारे में फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे एंड देन हम पावर पढ़ेंगे। बट उसे करेंगे कैसे, देखो आप लोगों के पास बच्चों सिलेबस में लेंस भी है और मिरर भी है लाइट चैप्टर के अंदर। तो आप लोगों ने मिरर में क्या पढ़ा और लेंस में क्या डिफरेंसेस है, इन्हीं तीन फॉर्मूला जस्ट ये दो तो आपके पास सेम रिपीट होंगे, बट फॉर्मूला में थोड़ी सी चेंजेस होगी क्योंकि पिछली बार जो फॉर्मूला था मिरर के अंदर वो था मिरर फॉर्मूला, अब है लेंस का फॉर्मूला। पिछली बार थी मैग्निफिकेशन, सिंपल मिरर की मैग्निफिकेशन, अब है लेंस की मैग्निफिकेशन। तो ये एक आपके लिए नया है, तो ये भी पढ़ेंगे क्या है। तो देखिए पहले बच्चों दोनों को पढ़ेंगे मिरर के साथ इसका कंपैरिजन करते हुए। तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला देख लें क्या था आप लोगों के सिलेबस में बच्चों, सिर्फ इसकी डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट है। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v + 1/u, ये था मिरर फॉर्मूला जिसके अंदर ये फोकल लेंथ थी, ये हमारे पास इमेज का डिस्टेंस था, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, और ये मेरे पास था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ओके, तो ये था मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट है अब लेंस फॉर्मूला के अंदर क्या होगा, लेंस फॉर्मूला तो वो बच्चों क्या है वो देखो, दैट इज 1/f = 1/v, ठीक है, बट यहां पर माइनस है। ओके, तो ये रहा मेरे पास पहला डिफरेंस, मिरर फॉर्मूला में यहां प्लस है बट लेंस फॉर्मूला में यहां माइनस है। ओके, तो सेकंड मेरे पास क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या था कि इमेज जो है दैट इज उसकी वैल्यू देखी जाएगी m, m देख स्मॉल m देखा जाएगा, मैग्निफिकेशन देखा जाएगा। अगर उसकी वैल्यू इक्वल्स टू 1 है देयरफॉर दोनों का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज एक जितना है, इक्वल साइज इसके हैं। बट अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू एक से ज्यादा हो जाए देयरफॉर हमें क्या पता चलता है कि जो इमेज का हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा है, कि इमेज बड़ी बन रही है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू एक से छोटी हो जाए देयरफॉर हमें क्या पता चलेगा कि इमेज की हाइट जो है वो छोटी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये पहले भी मैं करवा चुका हूं बच्चों, मैग्निफिकेशन प्लस 1 होती है प्लेन मिरर के लिए ऑलवेज ऑलवेज। ओके, और मैग्निफिकेशन -1 होती है किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए, नॉट ऑलवेज बट कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। ओके, तो मैग्निफिकेशन जो है वो बड़ी भी होती है छोटी भी होती है एक से किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए, बट कब होगा ये केस, बड़ी भी होगी एक से छोटी भी होगी किसके लिए है ये बच्चों, जब इस सी पे ऑब्जेक्ट ना पड़ा हो। जब ऑब्जेक्ट सी पे पड़ा है देन मैग्निफिकेशन -1 होगी, अदरवाइज मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर सी के ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर देन मैग्निफिकेशन की वैल्यू एक से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अब इस वाले केस में बच्चों ये एक का मतलब क्या है, मैंने यहां पर लिख दिया -1, क्योंकि मैग्निफिकेशन जब जब हमारे पास इमेज जो बनेगी वो बनेगी रियल, रियल का मतलब क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड उल्टी इमेज है, देयरफॉर ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है रियल को। ओके, और ये जो साथ में 1 लगा हुआ है ये बताएगा कि इमेज जो है क्या वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है या छोटी है। ओके, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव साइन बताएगा रियल, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाए पॉजिटिव बच्चों, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाए पॉजिटिव देन हमें क्या पता चलेगा कि इमेज क्या है, वर्चुअल है। ओके, केस पढ़े थे हमने बच्चों इस केस के अंदर,
ये मेरे पास कंकेव है, ये रहा एफ, ये रहा सी, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज इसके अंदर बनती थी, तो यहां पर मैग्निफिकेशन क्या है, दोनों ये दोनों के दोनों ऊपर को है, तो देयरफॉर मैग्निफिकेशन क्या थी, पॉजिटिव, और ये कैसे थी, एक से ज्यादा बड़ी थी। ओके, देन मैग्निफिकेशन क्या, एक से बढ़कर आएगी, अदरवाइज मैग्निफिकेशन की वैल्यू, कंकेव जो है वो छोटी इमेज भी बनाता है, बड़ी इमेज भी बनाता है जब सी के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा ना हो। क्लियर बच्चों? तो ये था हमारे पास। अब नेक्स्ट है मेरे पास बच्चों वही मैग्निफिकेशन लेंस के अंदर। अब मैग्निफिकेशन पढ़ने पहले था क्या, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था एच ई अपॉन एच ओ इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, और साथ में माइनस था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बनता था मैग्निफिकेशन। ओके, तो ये मैग्निफिकेशन थी मिरर की। अब लेंस की मैग्निफिकेशन क्या होगी, लेंस की मैग्निफिकेशन वो मेरे पास आएगी बच्चों एच ई अपॉन एच ओ, ठीक है, ये तो सही रहेगा, बट यहां पर वी अपॉन यू होगा। ओके, तो ये मेरे पास लेंसेस थे। एक बात और, जो कन्वेक्स था मेरे पास, कन्वेक्स मिरर था, वो बच्चों मैग्निफिकेशन कैसे बनाता है, हर बार उसकी वैल्यू एक से क्या होती है, छोटी होती है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर ऑलवेज डिमिनिश्ड इमेज बनाता था, और वह कैसी थी, वर्चुअल थी, तो बच्चों उसकी वैल्यू वर्चुअल, अभी ये मैग्निफिकेशन यहां पर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है बट एक से छोटी है, देयरफॉर वर्चुअल इमेज आएगी। याद है ना, कुछ ऐसे था हमारे पास, ये कन्वेक्स हो गया, यहां पर मेरे पास एफ था, यहां पर मेरे पास सी था, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी पड़ा हो, पहली रे ऐसी गई पीछे को बनाया तो सी से एफ से पास होकर गई, दूसरी यहां से ऐसे गई पीछे को बनाया तो यहां पर इमेज बनी, मिरर के अंदर बनी, ऊपर को बनी, ऑब्जेक्ट ये है, इमेज की हाइट ये है, तो मैग्निफिकेशन क्या बनती है, एक से छोटी बनती है इसके लिए। ओके, तो कंकेव जो है बच्चों वो बड़ी भी बनाता है, छोटी भी बनाता है, नेगेटिव साइन लगा हो तो इमेज कैसी होती है, रियल, पॉजिटिव साइन हो तो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल। तो कंकेव नेगेटिव पॉजिटिव वर्चुअल रियल बड़ी छोटी सब कुछ बनाएगा, इक्वल साइज की भी बनाएगा, बट कन्वेक्स ऑलवेज वर्चुअल बनाएगा बट छोटे साइज की बनाएगा। तो मेरे पास मैग्निफिकेशन लेंस के लिए ये फॉर्मूला है। ओके, तो इसके लिए क्या होगा, कन्वेक्स लेंस। तो अब जो छह केसेस यहां पर कंकेव मिरर ने बनाए, वैसे ही कन्वेक्स लेंस जो है वो भी छह केस बनाएगा। सो देयरफॉर कंकेव मिरर जो काम करता था वैसे ही काम यहां पर कन्वेक्स लेंस करता है। सो इसके लिए मैग्निफिकेशन ये बड़ी भी देगा एक से छोटी भी देगा और इक्वल्स टू वन भी देगा। जब वो मैग्निफिकेशन बड़ी, अभी मैं यहां पर प्लस माइनस वन की बात नहीं कर रहा बच्चों, माइनस का मतलब अगर साथ में लगेगा तो देयरफॉर वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रियल, प्लस लगा होगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा वर्चुअल। अब अगर बड़ी इमेज देगा तो वो भी कोई ना कोई केस होंगे जब ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज बड़ी बनती थी, पिछली वीडियो में हमने अच्छे तरह से इसको किया है। छोटी भी बनाएगा, इक्वल सूचक कब बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हो, टू ऑफ वन के ऊपर जा, जिसको हम सी भी बोल सकते हैं, तब इक्वल साइज की बनेगी। ओके, सो कैसे वो रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि हाइट को देखा जाएगा ना बच्चों। ओके, जब हाइट सेम होगी तो देयरफॉर एट दैट टाइम डिस्टेंसेस भी सेम होंगे, जितनी दूरी पर लेंस से ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर लेंस से क्या होगी, इमेज होगी। सो देयरफॉर मैग्निफिकेशन भी क्या आएगी, वन आएगी एट दैट केस। ओके, सो कन्वेक्स लेंस जो है वो बड़ी भी बनाता है, छोटी भी बनाता है, इक्वल साइज की भी बनाता है, और जो दूसरा था ना मेरे पास कनकेव लेंस, वो बच्चों ऑलवेज जैसे ये वाला केस इसका था, ऑलवेज एक से क्या बनाएगा, छोटी बनाएगा। कर लिया था पिछले केसेस में, पढ़ा था वीडियो में, अच्छी तरह से देखा था, तो कनकेव लेंस जो है वो एक से छोटी बनाता है। तो हमारे पास ये थी डेफिनेशन, मिरर फॉर्मूला, फॉर्मूले पढ़ ले, डेफिनेशन भी समझ ली, और फॉर्मूला को ध्यान में रखना। और वन मोर थिंग, साइन कन्वेंशन एक बार फिर से आपको रिपीट करवा दे, सिंपल फॉर्मूलाज में आप जो आपको क्वेश्चन में थिंग्स गिवन होंगी, आप डायरेक्ट बच्चों उसको यहां पर पुट ऐसे मत करना, ध्यान रखना, उसमें पहले पढ़ो कि वो क्या लेंस की बात हो रही है या मिरर की बात हो रही है,
किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, किसकी नेगेटिव है। कन्वेक्स लास्ट पे एक्स है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है। चाहे कनकेव, चाहे कन्वेक्स मिरर है, चाहे कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी। और जो दूसरा है कनकेव, चाहे मिरर है चाहे लेंस है, उसकी फोकल लेंथ क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। सो जो भी फोकल लेंथ आपको गिवन होगी वो आपको यहां पर पुट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको निकालनी पड़ेगी। अगर ये दोनों थिंग्स आपको गिवन है, तो अगर गिवन है आपको फोकल लेंथ, तो आप डायरेक्ट फिल करो यहां पर। अगर मिरर की बात है तो ये फॉर्मूला लगाओ, लेंस की बात है तो ये लगाओ। और ये दोनों थिंग्स में जो भी चीज निकालनी है वो तो हम निकालेंगे ही, वो पॉजिटिव नेगेटिव वो ऑटोमेटिकली आएगी। बट इन दोनों में से अगर कोई भी एक चीज गिवन है तो बच्चों उसको ध्यान से फिल करना, क्योंकि यू ऑलवेज क्या रहता है, नेगेटिव। क्यों रहता है? क्योंकि ऐसे साइन कन्वेंशन पड़े थे, ऑब्जेक्ट हमेशा इस लाइन के ऊपर होगा यहां पर। तो ये मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई। ऑब्जेक्ट की रे यहां से इंसिडेंट रे इस साइड को जाएगी, तो जितनी भी जिस साइड को ये जा रही है उस साइड को अगर मैं जाऊंगा तो पॉजिटिव, अगर क्योंकि डिस्टेंसेस अभी मैं ये कहां से करनी है, यहां से करनी है। यहां पर ही तो मिरर या लेंस पड़ा होगा ओरिजिन के ऊपर। अगर मैं इससे यहां से इस साइड को जाऊंगा तो ये नेगेटिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो यही हुआ ना यू। अगर मैं इस साइड को जाऊंगा तो वो पॉजिटिव है, और इस साइड को जाऊंगा तो नेगेटिव है। तो ध्यान रखना बच्चों, मैंने अभी बोला जो कि अगर इस साइड को जाऊंगा तो वो नेगेटिव है, इस साइड को जाऊंगा तो वो पॉजिटिव है। ओके, उसी तरह से अगर हाइट की, ये जो हाइट वाला केस है, अगर ऊपर को है इस प्रिंसिपल एक्सिस से, तो बच्चों इसको हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। अगर इमेज जो बन रही है वो कहीं नीचे बन रही है, यहां पर डिपेंड है मिरर है या लेंस है, तो बच्चों वो वाली मेरे पास हाइट जो लूंगा वो क्या लूंगा, नेगेटिव, क्योंकि इस साइड को क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। क्लियर बच्चों? फोकल लेंथ, मिरर की, लेंस की, मिरर फॉर्मूले, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन मिरर की, लेंस की मैग्निफिकेशन, ऑटोमेटिकली आपको पूरा एक बार फिर से रिवाइज करवा दिया, अच्छे से समझो इसको। इसके बाद करते हैं बच्चा पावर ऑफ अ लेंस। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पावर ऑफ अ लेंस। अभी ये पावर जो है ना बच्चों, ये मिरर की नहीं होगी, ऑलवेज लेंस की होती है, ठीक है। तो पावर ऑफ अ लेंस क्या आएगा हमारे पास, देखो पावर ऑफ अ लेंस कैसे पढ़ेंगे हम, 1/f। पावर क्या होगी, 1/f। f क्या है, फोकल लेंथ, किसकी, लेंस की। अगर लेंस जो है वो कनकेव है तो देयरफॉर हमें ऑटोमेटिकली इसके सामने माइनस लगाना पड़ेगा, और अगर बच्चों हमारे पास जो लेंस है वो कन्वेक्स है तो इसके ऑटोमेटिकली आगे आपको प्लस लगाना पड़ेगा। याद रखना क्योंकि एक्स है ना तो पॉजिटिव है, तो यहां पर एक्स नहीं है तो नेगेटिव रहेगी। तो जो भी फोकल लेंथ आपको गिवन हो यहां पर फिल करो, डिवाइड करो, पावर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ओके, सो रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ इज पावर। अब ये देखो पावर होती क्या है, पावर का मतलब क्या है कि किसी भी लेंस की कितनी एबिलिटी है कि वो जो रेज आ रही है उनको वो कितनी जल्दी से इकट्ठा करता है या खिलारता है। इकट्ठा करने का मतलब क्या, किसकी बात हो रही है, कन्वेक्स की, कि जो रेज उसके अंदर से लेंस के अंदर से पास हुई बात वो उसको वो कितनी जल्दी से कन्वर्ज करेगा, क्योंकि कन्वेक्स क्या है, कन्वर्जिंग है, कितनी जल्दी से कन्वर्ज करेगा। और जो कनकेव है वो डाइवर्जिंग है, कितनी जल्दी से वो खिलारेगा। तो वो लेंस की एबिलिटी जिसके कारण वो किसी भी रेस को इकट्ठा करना या खिलारना, इकट्ठा करेगा तो कहां पर फेंकेगा, फोकल लेंथ के थ्रू पास होकर जाएगा, क्योंकि जितनी भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएंगी, देखो केस इसको यहां पर समझे, कन्वेक्स है ना, तो ये जो रेस आ रही है ना पैरेलल टू, इनको क्या किया उसने अभी, यहां पर ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये रहा फोकल लेंथ, तो इसको इकट्ठा करना, इनको कन्वेक्स इसको बोलेंगे। अब ये कन्वेक्स बन गया क्योंकि ये कन्वर्ज कर रहा है, तो रेस को कितनी जल्दी से इकट्ठा किया, तो वो कैसे होगा, जिसकी फोकल लेंथ क्या होगी, लेस होगी, उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देयरफॉर जिस, क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं, इनवर्सली है, P=1/F, ये दोनों आपस में इनवर्सली है, सो देयरफॉर जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी पावर ज्यादा, क्योंकि इसने क्या किया, इसकी फोकल लेंथ बहुत इसके पास ही है तो इसने इसको इकट्ठा जल्दी से कर दिया, इकट्ठे कर दी जल्दी से। तो अभी दूसरा कौन सा था मेरे पास, कनकेव। अब कनकेव के लिए क्या होगा, जो रेज आई है उसको उसने खिलार दिया, खिलार दिया, मान लो यहां तक उसने खिलारा है। ओके, तो ये मेरे पास आ गया फोकल लेंथ। अब जो रेज आ रही है उसको कितनी जल्दी से खिलारा,
और ये वो भी किसके ऊपर डिपेंड होगा कि इसकी फोकल लेंथ कितनी है, तो उसको खिला के किसी को मीट करवाया तो मेरे पास फोकल लेंथ आ गई। सो जितनी फोकल लेंथ क्या होगी कम होगी उतना ही ज्यादा पावर क्या होगी ज्यादा। क्लियर। अब क्वेश्चन सुनो कैसे आता है। अब क्वेश्चन बच्चों फोकल लेंथ गिवन होगी, फोकल लेंथ आपको मान लो गिवन दे दी उन्होंने 50 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में गिवन है कि मेरे पास कोई कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पावर। कन्वेक्स लेंस है तो हमें पता है फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की क्या होती है, पॉजिटिव। ओके तो यहां पर ये सेंटीमीटर में है, याद रखना ये सेंटीमीटर में, क्वेश्चन में गलती यहां पर होगी आपके पास भी, ये सेंटीमीटर में है। तो इसको बच्चों पावर निकालने में कैसे करेंगे, 1/f। ठीक है, अब यहां पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मीटर में, याद रखो स्टेप है। कैसे करेंगे, कन्वर्ट cm टू मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे हम वो देखना है। कितनी के बना 50 पॉजिटिव है, कन्वेक्स है 50। अब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का मीटर बनाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 100 के साथ, तो 100 के साथ डिवाइड किया तो वो नीचे 100 चला गया ऊपर, क्लियर। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 100/50। तो अब यहां पर मैंने नीचे लिख दिया 100 लिखा था, तो ये सेंटीमीटर किसमें बन गया, मीटर में बन गया। ओके तो बच्चों क्या हुआ, पावर इक्वल्स टू ये 2 हो गया, यहां पर नीचे मीटर था इसके सामने 50 मीटर बन गया ना ऑटोमेटिक, क्योंकि मैं डिवाइड किया 100 के साथ, तो मेरे पास ये क्या बना, ये 1 के साथ ये 2 के साथ चला गया, मीटर नीचे ही पड़ा है अभी, तो मीटर को मैं ऊपर लेकर आऊंगा तो वो क्या बनेगा, 2 मीटर इनवर्स, नीचे वाले मीटर ऊपर चला गया मीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स को हम क्या लिखते हैं, डायोप्टर। क्या लिखते हैं, डायोप्टर। डायोप्टर मीन्स यूनिट ऑफ पावर, तो 2 डायोप्टर आ गए मेरे पास क्या, पावर। याद रखो अब इजी स्टेप क्या होगा, इजी स्टेप होगा कि अगर आपको बच्चों क्रैक कैसे करना है इस क्वेश्चन को, अगर आपको क्वेश्चन में बच्चों फोकल लेंथ गिवन है सेंटीमीटर में, तो कैसे करोगे, फॉर्मूला ये नहीं लगाना, ये वाला कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, 100/f, क्योंकि इस वाले केस में फोकल लेंथ किसमें है, सेंटीमीटर में है। जो फोकल लेंथ आपको गिवन होगी क्वेश्चन में वो बच्चों यहां पर फिल करो, 50 कर दिया फिर, क्योंकि 50 सेंटीमीटर थी, 1 2 जो 2 आया उसके साथ डायोप्टर लगा दो, क्योंकि पावर का यूनिट ऑटोमेटिकली यहां से चलता हुआ क्या बन गया था, डायोप्टर। ओके तो बच्चों पावर डायोप्टर होती है कब, जब फोकल लेंथ क्या हो, किसमें हो, मीटर में हो। ओके सो पावर होगी डायोप्टर में कब, जब फोकल लेंथ किसमें हो, मीटर में, याद रखना। तो सेंटीमीटर में तो ये फॉर्मूला लगाओ, अगर आपको बच्चों फोकल लेंथ मीटर में ही गिवन है तो डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला लगाना, यही लगाना, 1/ जितने मीटर है यहां पर लिखो, आंसर आ जाएगा। ओके एक और बात, अगर आपको पावर गिवन हो तो पावर गिवन होगी किसमें गिवन होगी, डायोप्टर में। ओके पावर का यूनिट मेरे पास कौन सा है, डायोप्टर है, तो अगर आपके पास पावर है डायोप्टर में तो जो आपका आंसर आएगा ना वो किसमें आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड करते हैं, अगर पावर डायोप्टर में तो फोकल लेंथ किसमें आएगी, मीटर में आएगी, तो जो आपका फाइनल आंसर होगा उसके पीछे आपको मीटर लगाना पड़ेगा। क्लियर। तो चैप्टर की बच्चों थ्योरी खत्म हो चुकी है, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। चैप्टर जो हमारा 9th था, यूनिट नंबर 10 खत्म हो चुका है, स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी से, इसका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अब इसके हम ब्रू क्वेश्चंस और बैक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज बच्चों।